वेलकम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहाँ पे हम अभी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे पहले जो भी एग्जांपल्स थे, एग्जांपल नंबर 8 तक, वो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं उसका, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो चलिए हम लोग अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि इस वो रेशियो फाइंड करिए जिसमें वाई एक्सिस एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा जो कि इन पॉइंट्स से मिलकर के बना है वो लाइन सेगमेंट। वो पॉइंट है 5, -6 एंड -1, -4। और जिस पॉइंट पर जिस रेशियो में काट रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी हमें निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन है वो लिखा हुआ है। x1 = 5, x2 = -1, y1 = -6 एंड y2 = -4। देन हम एक लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट डिवाइडेड इज k:1। तो हम लोगों ने उस रेशियो को k:1 ले लिया। सो m1 जो हो गया वो हमारा k हो जाएगा और m2 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि जो लाइन सेगमेंट है वो वाई एक्सिस पे डिवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। सो हमें वो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही है 0। तो अब लेकिन हम उसके हेल्प से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग बाई सेक्शन फार्मूला x=m1x2+m2x1/m1+m2, हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू तो खैर पहले थी नहीं, तो k−1+1×5/k+1, इसको जब आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे k की वैल्यू निकलती है 5। तो अब हम उसके बाद y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को k की वैल्यू जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोगों ने पहले k की वैल्यू निकाली और हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y के लिए भी सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, m1y2+m2y1/m1+m2। तो उसको आगे प्रोसीड किया, पे y2 की और y1 की वैल्यू पुट कर दिया, देन k की वैल्यू पुट कर दी गई। जो k की वैल्यू पुट करने के बाद जो इसका आंसर आया है वो है -13/3। तो जो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट है जो हमें चाहिए, जिस पॉइंट पर ये कट किया है लाइन, उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा वो है 0, -13/3। और उस पॉइंट का जो रेशियो है जिस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट कट हुआ है वो है 5:1, जो कि हमने k की वैल्यू निकाली थी 5। तो हमारा जो था वो m1 था और m2 की वैल्यू हमें पहले से पता थी वो जो है 1। तो हमारा जो फाइनल रेशियो निकला है वो है 5:1। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इफ़ द पॉइंट्स a 6,1 एंड b 8,2, c 9,4 एंड d p,3। ये चार पॉइंट्स हैं जो कि एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स हैं, चारों कॉर्नर जो होते हैं ना उन कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट है ये, जिसके आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स है। लेकिन इसमें से जो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसके अंदर लिखा हुआ p,3। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है कि उस पी की वैल्यू क्या आएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कि जो ए सी का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वही सेम बी डी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं, वो है ओ पॉइंट। तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करके पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1+x2/2, y1+y2/2 = x1+x2/2, y1+y2/2। तो अब हम इसमें x1 x2 की y1 y2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला है ना = जो लेफ्ट में है वो हम लोग ले रहे हैं ए सी के लिए, लाइन ए सी के लिए। तो ए और सी में जो x1 है x2 y1 y2 है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। लेकिन जो इक्वल्स टू के राइट में है उसमें हम लोग पॉइंट बी डी के लिए कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फिर मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है x1 x2 और y1 y2 की। तो
तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आगे जो पी की वैल्यू है वो आ रही है, वो आ रही है हमारी 7। तो जो पॉइंट पी है उसकी वैल्यू 7 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।